नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अब तक विधायक सेगमेंट में आज हम बात करेंगे अररिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में। अररिया विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक अबीदुर रहमान हैं। अबीदुर रहमान कांग्रेस से हैं और 2015 में इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रत्याशी हुए थे, जिसमें उन्हें 92,667 वोट हासिल किया था। वहीं उनके विपक्षी प्रत्याशी लोजपा से अजय कुमार झा भी खड़े हुए थे और उन्हें 52,623 वोट प्राप्त हुए थे। वोटों का अंतर तकरीबन 40,000 था। कांग्रेस के अबीदुर रहमान भारी मतों से जीत दर्ज की थी। पिछले चुनावी वर्षों को देखें तो वर्ष 2010 के नवंबर माह में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जाकिर हुसैन खान विधायक हुए थे। जाकिर हुसैन खान लोजपा पार्टी से थे और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी नारायण कुमार झा को हराया था। नारायण कुमार झा भाजपा के टिकट से चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। भाजपा के प्रदीप कुमार यादव वर्ष 2005 के अक्टूबर और फरवरी माह में विधायक चुने गए थे। इस दोनों चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी मोहिदुर रहमान थे। मोहिदुर रहमान कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे थे। वर्ष 2000 के चुनावी वर्ष को देखा जाए तो विजय कुमार मंडल निर्दलीय विधायक हुए थे। स्वतंत्र रूप से खड़े हुए विनोद कुमार मंडल ने कांग्रेस के नेता मोहिदुर रहमान को शिकस्त दे दी। बिहार पीपल्स पार्टी के नेता विजय कुमार मंडल वर्ष 1995 में विधायक हो गए थे और उनके प्रतिद्वंदी भाजपा के दुर्गादास राठौर को वर्ष 1995 के विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी। वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव में दो निर्दलीय उम्मीदवार ही आमने सामने के टक्कर में थे। विनोद कुमार राय और नंद किशोर मंडल दोनों निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें विनोद कुमार राय विधायक हो गए। इस विधानसभा के चुनावी मुद्दों पर एक नजर डालें तो कई विकास कार्य हुए हैं। प्रगति के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की बेहद आवश्यकता होती है, जिसे होना अनिवार्य होता है। विकास के तौर पर पुल पुलिया का निर्माण लोगों को बड़ी राहत देने वाला साबित हुआ। इसके निर्माण से कई विधानसभा क्षेत्र में विकास की बयार आई। बिजली भी गांव-गांव तक पहुंची और लोगों की जिंदगी में थोड़ी राहत हुई। शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया। भवन और शौचालय का निर्माण भी हुआ, लेकिन कुछ मूलभूत समस्याओं में अब भी शुरुआत किए जाने की जरूरत है। अररिया विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो जिले के लोगों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होने को लेकर काफी मलाल है। इस मुद्दे को लेकर जनता सरकार से खफा है। अन्य मुद्दे भी हैं, वह है तटबंध का निर्माण, क्योंकि बाढ़ की परेशानी से हर बार जूझना होता है। युवा के लिए रोजगार और किसानों को अपने अच्छे उत्पादन और उनके बाजार से संबंधित समस्याओं के निदान की उम्मीद संजोए है। आज के लिए बस इतना ही। अब तक के विधायक सेगमेंट में हम आगे भी इसी तरीके से विधानसभा क्षेत्रों के बारे में आपको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।